हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th के अंदर पास आउट हो चुके हैं और अभी आप क्लास 11th के अंदर कॉमर्स फील्ड में आना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत काम का है। इसमें मैं ओनली क्लास 11th के सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि डिटेल के अंदर बताऊंगा कि सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीना पढ़ के देखना चाहते हैं मेरे से, तो वो कैसे पढ़ सकते हैं आप, वो भी लाइव, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है 11th में कॉमर्स लेने से पहले उसके बारे में ढेर सारा जानकारी ले लेना, सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी ले लेना, उसके बारे में 1 महीना पढ़ाई करने का, ताकि आपको पता चल जाए कि कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है वो आप, या आप उन सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं, या उन सब्जेक्ट का आपके हिसाब से लेवल क्या है और आपको कॉमर्स फील्ड में जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट पहले जो है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स के आपको कुछ नाम देखने को मिल रहे हैं। ये तो ओनली नेम है, लेकिन हम नेम पे सीमित नहीं रहेंगे, उससे आगे भी इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर सब्जेक्ट्स के नेम की बात करें तो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट है, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने। इसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और इंग्लिश है। महाराष्ट्र बोर्ड की अगर बात करूं तो बिजनेस स्टडी की जगह वहां पर मैनेजमेंट स्टडी पढ़नी पड़ती है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडी, वो भी एक बिजनेस स्टडी का एक पार्ट ही है। ओके, तो आप उसको भी बिजनेस स्टडी के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड की बात करूं तो ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट वहां पर होते हैं। इसके अलावा अलग जो अदर स्टेट बोर्ड है वहां पर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन मेन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, ये मेन सब्जेक्ट वहां पर रहते ही रहते हैं कॉमर्स क्लास 11th के अंदर। हाँ, इकोनॉमिक्स की जगह कुछ स्टेट बोर्ड जो है दूसरे सब्जेक्ट आपको ऑप्शन में अवेलेबल कराते हैं, लेकिन 4 ये मेन सब्जेक्ट लगभग अप्रोक्स यही रहते हैं। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है इन 4 के अलावा। तो 4 तो हो गए कंपलसरी, एक हो गया ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो आप मैथ्स ले सकते हैं, यहां पर लिखा नहीं, मैं अब लिख देता हूं। ठीक है, अगर मैथ्स नहीं लेना चाहते तो आप इन्फोमेटिक्स प्रैक्टिसेस ले सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, फाइन आर्ट ले सकते हैं, कोई लैंग्वेज स्टडी भी ले सकते हैं, हिंदी वगैरह, संस्कृत वगैरह, ओके, उर्दू वगैरह, तो लैंग्वेज या फ्रेंच वगैरह जो भी लैंग्वेजेज होती है उसमें भी आप जा सकते हैं। तो कोई एक ऑप्शन है आपके पास में और ये 4 है कंपलसरी। तो कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेन सब्जेक्ट आपका अकाउंटिंग के अंदर होता, कॉमर्स के अंदर होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के बारे में आप डिटेल में 1 मंथ हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और ये लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। कहाँ होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत अच्छे से बेस कराया जाएगा, जिससे हो सकता है आपको कॉमर्स में बहुत दिन अच्छे से इंटरेस्ट आ जाए, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। ओके, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, इसके बारे में थोड़ा बहुत 10th में आपने पढ़ा होगा। बिजनेस स्टडी में बिजनेस से रिलेटेड है पूरा का पूरा, और इंग्लिश तो है ही। तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है कि जो भी बिजनेसेस हैं इस दुनिया के अंदर, उन बिजनेसेस का जो हिसाब किताब है वो कैसे करना है, उनका, उनको जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करना है, और पूरे ईयर एंड के बाद में पता लगाना कि वो बिजनेस हमें प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, ये सब अकाउंटेंसी में होता है। जैसे अकाउंटेंसी के अंदर किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगाया जा सकता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हो गया, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, या कुछ लोग होते हैं जिनका हम बोलते हैं इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे कैसे किसी बिजनेस की है ना फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, वो कैसे पता चला है, तो वो उसके लिए हमें उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और वो अकाउंटिंग कैसे करनी है वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हमें सिखाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स फील्ड का। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया ये पूरी जो हमारी कंट्री है, या ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के कुछ रूल्स के बेस पर चलती हैं। तो वो इकोनॉमिक्स के रूल्स क्या है, जैसे जो मनी है ना, एक डॉलर के मुकाबले अगर रुपीज़ की बात करें तो 70 कितना चल रहा है, 70 प्लस चल रहा है, वो क्यों है ऐसा, वो कैसे डिसाइड हुआ, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था है उसके आंसर हमें इकोनॉमिक्स देता है। किसी भी, कोई भी चीज़ महंगी क्यों होती है, कोई भी चीज़ सस्ती क्यों हो जाती है, किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा क्यों है, किसी की कम क्यों है। आपने प्याज तो देखा होगा ना, ओनियन, ओनियन की कभी कभी प्राइस जो है बहुत हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, ऐसा क्यों होता है ना, तो ये सब कैसे होता है,
जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बहुत ज़्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट कर देती, हम सबको पैसे खूब क्यों नहीं दे देती? क्या गवर्नमेंट सब पैसा अपना खुद ही छाप के खर्च करती है, या गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है? टैक्स लेती है, क्यों लेती है, कैसे लेती है? ये सारा का सारा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको परेशान करते हैं तो मोस्ट वेलकम इन कॉमर्स फील्ड। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस स्टडी। कोई भी बिजनेस है वो कितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती है, छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, बिजनेस कैसे किया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, बड़ी कंपनीज कैसे खोली जाती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उनके बारे में डिटेल स्टडी आपको बिजनेस स्टडी के अंदर देखने को मिलती है। इसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड भी स्टडी आ जाती हैं, और इंग्लिश तो है ही। तो अगर इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाए, अगर कॉमर्स फील्ड को कॉन्सेप्चुअली अच्छे से, तो फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। लेकिन अगर आपको गाइडेंस सही से नहीं मिला, सामने अगर पढ़ाने वाला जो बंदा है उसने आपको सही से अगर कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो ये फिर सब्जेक्ट बहुत आपके लिए बोरिंग भी हो सकते हैं। अकाउंटेंसी की अगर मैं एक बार बात करूँ, तो अकाउंटेंसी का एक फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, लेकिन आप कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्लास 11th की अकाउंटिंग का बेस कराएंगे, और बेस महाराष्ट्र बोर्ड या अदर बोर्ड का सेम ही रहता है। फ्री कोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पर क्लास 11th के लिए, नून ऐप पर अवेलेबल है। कहाँ है? नून ऐप। नून ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्ले स्टोर से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लास 11th अकाउंटेंसी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइव इंटरेक्टिव क्लास, हाई क्वालिटी नोट्स और अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग के साथ में सॉल्व पढ़ सकते हैं। मेरी क्लास जो है उसका टाइम मैं आपको बताता हूँ, 6 to 7:30 इस ऐप पे आती हैं, यानी कि लगभग 1.5 घंटे की, 90 मिनट्स की क्लास आती है। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को ये क्लास चलेगी, फ्राइडे को हम रखेंगे कॉम्पिटिशन जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और आप में से कोई एक विनर बनेगा। ओके, सो 23 मार्च को ये स्टार्ट हो गया है, लेकिन 23 मार्च से तो हम डिस्कस ही कर रहे थे कि कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मेन अभी स्टार्ट होने वाला है रिसेंट में, तो आप फटाफट जाके जो है नून ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप क्लास 11 सर्च करेंगे तो क्लास 11 से रिलेटेड ग्रुप्स आएंगे, एक मेरा ग्रुप आ जाएगा सुरेश मकवाना नाम से, वहाँ पर क्लास 11th का ग्रुप होगा अकाउंटेंसी का, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद हम लाइव क्लास करेंगे 6 to 7:30 के बीच में। ओके, तो और भी आपको यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, उनकी भी लाइव सेशन आप ले सकते हैं, जैसे बिजनेस स्टडी हो गया, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो आपको बहुत अच्छा 1 मंथ के अंदर जो है बहुत अच्छा नॉलेज जो है कॉमर्स फील्ड का दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स में पहले से ही हैं, 11th में हैं और अभी 12th में जा रहे हैं, तो आप अपने मेन मेन चैप्टर्स का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, जिससे क्लास 12th का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्लास 12th जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड होती है क्लास 11th के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 12th समझ में नहीं आएगी। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, हम मिलते हैं ग्रुप के अंदर 6 PM यानी कि 6 बजे इवनिंग में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।